सवाल मेरे को आपसे पता करना है, ये पावर स्टॉक्स को लेकर आप पूरे साल के लिए बुलिश हो सकते हो, स्पेशली पावर ग्रिड और पीएफसी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के ना प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर इतने संजीदा है कि 4 दिन पहले उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक भी की जब ये खबर आ रही थी कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं पावर के सेगमेंट को ही लेकर हुई है। तो पीएफसी पावर ग्रिड ठीक लगते हैं आपको? मॉर्निंग डिम्पी। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किए थे पावर स्टॉक्स, और दो चीजें हो रही है यहाँ पे स्ट्रक्चरली। एक आई थिंक ये जो हीट वेव है यहाँ पे एक ऑब्वियस इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आई थिंक पूरी मशीनरी काम पे चलेगी। हम रिन्यूएबल्स की भले बात करते हैं, बट दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आई थिंक जितनी भी थर्मल यूसेज रहेगी पावर प्लांट चलाने के लिए, कोल हो गया, विच ऑल्सो विल इंक्लूड कोल इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट एज वेल, पावर फाइनेंसेस लाइक पीएफसी या डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड जनरेटर्स एज वेल, इंक्लूडिंग द लाइन्स ऑफ टाटा पावर एंड पावर ग्रिड एनटीपीसी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पूरी चेन प्रॉबेबली फोकस में रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, लुकिंग एट हाउ द समर विल प्ले आउट। बट स्ट्रक्चरिंग आप देखिए जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल टारगेट्स, उदाहरण के तौर पे अगर एनटीपीसी के मैं बात करूं तो इनकी जो 2030 की डिप्पी टारगेट है 130 गीगावाट्स की, इसमें 60 से 70 गीगावाट रिन्यूएबल से आने वाले हैं। आज के तारीख में बहुत नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल थर्मल एसेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स होगी टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज इम्प्रिंट इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मूव्स इटसेल्फ एंड मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स एज वेल। क्या इसमें केपेक्स बहुत ज्यादा होगा? केपेक्स की रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, तो जो कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स रेशियो होगा दैट शुड सस्टेनेबली मूव फॉरवर्ड। और जैसे हम हाइब्रिड मॉडल से रिन्यूएबल्स की तरफ निकल जाएंगे अगले कुछ वर्षों में, ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा इन टर्म्स ऑफ इवन द बैलेंस शीट डायनेमिक्स। तो कुछ प्लेयर्स जो है जहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, इंक्लूडिंग पावर ग्रिड एनटीपीसी 4% के ऊपर, एक डाउनसाइड रिस्क भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल मार्केट्स। तो स्ट्रक्चरल स्टोरीज हो सकती है मेरे हिसाब से, शायद बहुत प्रीमच्योर होगा अभी कहना, बट मुझे लगता है आई थिंक लुकिंग एट गवर्नमेंट टारगेट्स एंड हाउ दीस कंपनीज आर मूविंग, शायद आई थिंक रिन्यूएबल्स विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। कंपनीज लाइक एनटीपीसी पावर ग्रिड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले कर। तो ये तो पावर स्पेस पे एक व्यू रहा जो लगातार अच्छे अप ट्रेंड में है भी। लेकिन बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आपको अनयूजुअल वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं और ब्रेकआउट भी है जिनमें। एक स्टॉक है टीसीएनएस क्लोथिंग, एक बार आप प्रशांत के साथ ही डिस्कस करते हैं। प्रशांत, टीसीएनएस क्लोथिंग एवरेज वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम में दिखना है और एक डील आनी है इनकी, क्योंकि इसे टीसीएनएस क्लोथिंग में स्टेक खरीदने के लिए कई सारे रिटेलर्स इंटरेस्टेड है। रिलायंस का भी नाम था, नायका का भी नाम था, खैर वो तो एक फंडामेंटल रीजन है, न्यूज बेस्ड रीजन रहेगा, लेकिन अभी चार्ट्स पर क्या दिख रहा है, क्या आज भी फॉलो बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए? तो प्रियंका, कल जो हाई बना हुआ है स्टॉक का करीबन 515, ये स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर सस्टेन करने पे ही शायद आपको एक नेक्स्ट अप मूव मिल सकती है जो इसको करीबन 560-65 यानी जो 200 दिनों के एवरेज है वहां तक ले जा सकती है। तो मुझे लग रहा है आप किसी को बाय करना है तो वो 515 के ऊपर करे और स्टॉप लॉस रखे 500 पे, और आपका टारगेट होगा 565 का। बट जब तक ये स्टॉक 515 यानी कल की हाई को क्रॉस नहीं करता, मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। खैर, 9:08 हो चुके हैं यानी कि निफ्टी फ्रीज हो गया। एक बार मैं लेवल्स आपके सामने लेके आता हूँ, और मेरे को यही पॉइंट था कि भले आपको एसजेक्स निफ्टी लाल निशान में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फ्रीज के लेवल पे मामूली हरे निशाने पॉजिटिव में आ सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही है, निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर पहला टिक आपको दिखाएगा क्योंकि फ्रीज का लेवल ही है। सेंसेक्स भी 118 पॉइंट ऊपर है।